नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। कांग्रेस नेता सब द्वारा तेसर बेर संसद के बैसार अवरुद्ध करते भूकंप प्रभावित सब के 2 लाख रुपया देवा सत्तारूढ़ दल द्वारा संयंत्र गठन। अगन महीना में स्थानीय तक के निर्वाचन कर लेल निर्वाचन आयोग तैयार, सरकार के समय में कानून बनाव सुझाव। तलब वृद्धि के मांग करे टैंकर चालक सब काम काज ठप कला के बाद धनसा जिला में ईंधन के अभाव। सावने गति से सरकार सवारी सबक कर वृद्धि कर रहा, मोटरसाइकिल आ स्कूटर में 5,000 धर की वृद्धि। आ नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आरोप में पकड़ा पड़ा डॉक्टर साहब, दायर के ने बंदी प्रतिक्षीकरण के रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारिज। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगातार तेसर बेर संसद के बैसार अवरुद्ध केला के बाद सत्तारूढ़ दल सब कांग्रेस संग छलफल शुरू केलक। संसद के बैसार स्थगित भेला के बाद संसद भवन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आह्वान में सत्तारूढ़ दल के नेता आ कांग्रेसक नेता सब बीच छलफल भेलै। छलफल में किस समय प्रधानमंत्री ओली अपने सहभागी भेल छलै त नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र आ राप्रपा नेपाल भूकंप प्रभावित सबके एकमुष्ट 2 लाख रुपया अनुदान देव के विषय में सहमति जुटावत 4 दलीय संयंत्र गठन केलक। 4 दलीय संयंत्र में नेकपा एमाले के दिस सब भीम रावल आ सुभाष नेवांग, नेकपा माओवादी केन्द्रक दिस सब कृष्ण बहादुर महरा आ राप्रपा नेपालक दिस सब दिलनाथ गिरी छथ। कांग्रेस कृष्ण प्रसाद सिटौला, चिनकाजी श्रेष्ठ आ डॉक्टर प्रकाश शरण महत के संयंत्र में रखने आई छ। बैसार में कांग्रेस नेता सब भूकंप प्रभावित सबके एकमुष्ट रूप में 2 लाख रुपया देव के मांग संबोधन नहीं हेत त मंगल दिनक संसद के बैसार से चलन नहीं दे बतौला के बाद सत्तारूढ़ दल सब संयंत्र गठन कक समस्या के समाधान ताक तैयार भेलै छ। कांग्रेस नेता डॉक्टर महत पार्टी रखने मांग में मांग के संबंध में बैसार में छलफल हुई तो कोनो निष्कर्ष नहीं लगला से संयंत्र मंगल दिन सहमति जुटाव प्रयास करत बतौलन। दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यहाँ राख्यौँ। उहाँहरूले अप्ठ्याराहरू चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्नुभयो। फेरि हामी भोलि चाहिँ बसेर यसलाई चाहिँ टुङ्गो लाउन कोसिस गर्ने र एउटा सहमति पुग्न कोसिस गर्ने भन्ने भएको छ। छलफललाई अगाडि बढाउनको लागि द्विपक्षीय सम्बन्ध बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ अब छलफल हामीले सुरुवात गरेका छौँ र त्यसले छलफल गरिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष संसदीय दलको नेतासँग पनि ती भएका कुराकानी राखेर यदि हाम्रो चाहिँ माग सम्बोधन गर्ने परिस्थिति भयो भने यो हाउस भोलि चाहिँ अगाडि बढ्छ। संयंत्र के सहमति जुटावक लेल समय देवी के लेल संसद के बैसार मंगल दिन बेरिया में 3:30 बजे धरि के लेल स्थगित कयल गेल छ। निर्वाचन आयोग अगर महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन करय लेल अपने तैयार रहल मुदा ओहि के लेल सरकार के कानून समय में बनाव पड़त बतौलक। आयोग निर्वाचन के तैयारी संबंध में बुझल सोम दिन भिनसर में पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल आ संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेवांग तथा किछ मंत्री सहित अपना कहाँ उपस्थित भेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समक्ष सरकार समय में कानून उपलब्ध करलक। कार्तिक के अंतिम सप्ताह निर्वाचन कर अपने सब तैयार रहल बतौलक। प्रधानमंत्री ओली आयोग के कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डॉक्टर अयोध्या प्रसाद यादव आ आयुक्त इला शर्मा समक्ष स्थानीय तह के निर्वाचन के लिए आयोग की तैयारी की है कहकर प्रश्न पूछने वो 1.5 वर्ष भीतर 3 तह के निर्वाचन कर के अवस्था में आयोग की सरकार की सहयोग कर पड़त कहकर सुझाव से मंगने कानून मंत्री अग्निप्रसाद खरेल जनतब देने छत। त्यसैले यो बिचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभाका निर्वाचन जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगको तयारी के कस्तो अवस्थामा छ, निर्वाचन आयोगको भौतिक साधन सुधारको अवस्था के छ, उसको आन्तरिक तयारीको अवस्था के छ लगायतका प्रश्नहरूको बारेमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत निर्वाचन आयुक्तसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। जवाब में आयोग कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डॉक्टर अयोध्या प्रसाद यादव निर्वाचन के लिए आयोग सब दिन तैयारी अवस्था में रहल कहे तो प्रशासनिक आ प्राविधिक तैयारी तथा जनशक्ति के अवस्था के विषय में जानकारी करौलन। ओ अगहन महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कर लेल सरकार आयोग के स्थानीय निकाय के संख्या आ सीमाना संबंधी प्रतिवेदन तथा स्थानीय तह के कार्यविधि संबंधी एन समय में देव पड़त बतौलन। ओ सरकार प्रतिवेदन आ एन देने अवस्था में आयोग कार्तिक के अंतिम या अगहन के पहिल सप्ताह निर्वाचन कराब सक्षम रहल बतौलन। लागू छ संरचना पुनर्संरचना आयोग, त्यो आयोगको प्रतिवेदन पनि चाहियो, अनि स्थानीय तहको एक्ट चाहियो, यो दुईटा आधारभूत कुरा हो।
आयोग कानून पाउने अवस्थामै निर्वाचन कराव सकके जवाब देलाके बाद प्रधानमन्त्री ओली आयोगले आवश्यक परवाला कानून आ अन्य स्रोत साधन सरकार जति जल्दी हो सके उपलब्ध कराउत आश्वासन दक निकल छलेत सरकार ऐसा आगुए स्थानीय तहके अघनमे प्रादेशिक तहके दोसर वर्षके बैसाख जेठ आ संसदके दोसर वर्षके अघन महिनामे निर्वाचन कराबके घोषणा क चुकल छ। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी तमलोपाक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठी सरकार अपना सबके मांग संबोधन नहीं करत संविधान कार्यान्वयन होब नहीं देव चेतावनी देने छ। सरकार मधेश आंदोलन में मृत्यु भेल सबके शहीद घोषणा घायल सबके इलाज आ पकड़ाउ करल सबके बिना शर्त रिहा करके मांग संबोधन कर पड़त हुनकर कहब छन्। नवलपरासी क्षेत्र नंबर छ सोमदिन त्रिपाठी के सम्मान में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ अपने सब वार्ता के विरोधी नहीं रहल मुदा सरकार आ सरकार के सहयोगी दल ऊपर विश्वास नहीं रहल सेहो कहलन। तमलोपाक अखार 6-7 आ 8 गते नवलपरासी सदर मुकाम परासी में भेल प्रथम अधिवेशन से त्रिपाठी निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष में निर्वाचित भेल छथि। कार्यक्रम में त्रिपाठी सहित केंद्रीय सदस्य में निर्वाचित बिना थनैत पूरन चौधरी आ छविलाल हरिजन के अभिनंदन कयल गेल छ। टैंकर चालक सब तलब वृद्धि के मांग करैत कामकाज ठप केला के बाद धनसा जिला में ईंधन के अभाव देखल गेल छ। दैनिक रूप में 3 लाख लीटर ईंधन के मांग रह वाला जनकपुर अंचल के धनुषा महतारी आ सिंधली के लिए महेंद्र नगर स्थित नेपाल आयल निगम के डिपो में 4 दिन एम्हर ईंधन नहीं आ रहे छ। ईंधन नहीं आला के बाद नियमित आपूर्ति होब नहीं सकला के बाद जनकपुर स्थित पेट्रोल पंप सब बंद कैल गेल छ। पेट्रोल पंप बंद भेला के बाद उपभोक्ता पेट्रोल डीजल मटिया तेल के अभाव में सड़क में सवारी के संख्या पतरायल छ। सार्वजनिक सवारी में बेसी प्रभाव नहीं देखल गेल हो तो सड़क में चल वाला मोटरसाइकिल के संख्या कम देखल गेल छ। तेल जैसे कोनो पंप में जैसे पूरे पंप में घूम गए तेल नहीं दे रहा कहीं ठीक के लिए एक घंटा से जैसे कह रहा जी तो कह दी कि ये ना है तेल ना है फूलो चौक पर देखी बोर्ड लगा पेट्रोल से किराए तो गए किराए तो फिर रवाना तो गए आउट ऑफ द पेट्रोल से जीरो माल समस्या है गाड़ी सब चले रहा है तो एना कचरा भेल मट्टी तेल डीजल पेट्रोल ये तो सब चाहिए सब यूज हो। टैंकर चालक सभक संगठन चालक संघ चालक 12,000 तलब नहीं पहुंचल कहित कमती में 20,000 तलब पहुंचाब मांग करते आयल छ। श्रम में 9,300 तय केने में चालक मासिक 12,000 पबैत आयल छ। महेंद्रनगर डिपो धनसा महतारी आ सिंधरी के कह दैनिक 1,20,000 लीटर पेट्रोल आ 1,80,000 लीटर डीजल के मांग रहल छ। नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी सरकारी कार्ययोजना कार्यान्वयन नै हात दाबी कयलनि छ। सोमके भिनसरमे जनकपुर विमानस्थलमे संसार कर्मी सबसँग बातचीत करैत माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष दाहाल मधेसके समस्या समाधान बिना केने आ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसके विश्वासमे बिना लेने संविधान कार्यान्वयन योजना कार्यान्वयन नै हात ठोकुवा कयलनि छ। संविधान कार्यान्वयनके लेल प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस आ आन्दोलनरत मधेसके सम्बोधन नै कक चुनावके वातावरण नै बनत सेहो बतलनि। मधेसके मुद्दा सम्बोधन कर सरकार गम्भीर नै रहल सेहो दाहाल दावी केने छथि। मधेसके मुद्दाके हल्का ढङ्गसँ लेनाइ सरकारके कमजोरी हात हुनकर कहब छलनि। मैले त ल्याएको छ सरकारले त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। मैले त प्रमुख प्रतिपक्षको पनि समझदारी र विश्वास नलिइकन र मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन नगरिकन देशमा चुनावको वातावरण बन्दैन। सरकारले जति घोषणा गरे पनि त्यो खालि देखाउनको लागि मात्रै हुन्छ। सरकार जति गम्भीरतापूर्वक जानुपर्ने हो गएको छैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ। किनभने यसलाई केही पनि होइन भने जस्तो गरी हल्का फुल्का ढङ्गले लिनु देशको निम्ति फाइदाजनक छैन। अघनमे 10 माओवादी पार्टी मिलकर पुनर्गठन कयल गेल माओवादी केन्द्रक महाधिवेशन आगामी अघन महिनामे करसका तयारी कयल गेल दहाल जनतब करलनि छ। नेकपा एमालेक स्थायी कमिटीक बैसार सँ सहमतीय सरकार गठन सम्बन्धमे केने निर्णयके अपने सकारात्मक रूपमे लेने आ प्रधानमन्त्री की बजने सम्बन्धमे अपने टिप्पणी गर्न नै चाहने स्पष्ट कयलनि। दाहाल जनकपुर विमानस्थल होइत सिरहामे निर्वाचन क्षेत्र के भ्रमण कक रोथट में पार्टी नेता के वैवाहिक कार्यक्रम में सहभागी होब के कार्यक्रम छलन। सरकार आगामी साउन 1 गते सँ वार्षिक सवारी कर वृद्धि कर रहल छ। आर्थिक विधेयक बजेट मार्फत घोषणा भेल कर वृद्धि के निर्णय साउन सँ लागू होयत। सरकार भन्सार बिन्दु में सड़क दस्तूर कर बढ़ाकर सवारी महग बनाई रहल छ। सवारी कर में सेहो भारी वृद्धि कर रहल छ। मोटरसाइकिल आ स्कूटर में मात्र एक बेर में 5,000 रुपया धरि कर वृद्धि होयत।
यातायात व्यवस्था विभाग साउन एक गते सा 251 से लक 400 धेर सीसी के मोटरसाइकिल धनी संग वार्षिक 8000 रुपया कर लगाओ तो ऐसा आगु 6000 मात्रे देवा पड़े छल ऐना का 401 सीसी सा ऊपर के सवारी धनी सब ऐसा आगु 5000 रुपया से बेसी कर तीरा परत ऐसा आगु 1000 तीरेताल बरका क्षमता के बाइक चढ़ावला सब सरकार के 15000 रुपया देवा परत 250 सीसी धर के मोटरसाइकिल चढ़ावला सब के राहत भेटत आई बेर छोट क्षमता के मोटरसाइकिल में कर नहीं बढ़ने आई छ ऐना का निजी कार तथा जीप चढ़ावला सब के से हो पहिने से बेसी रकम कर के लेल खर्च कर परत विभाग अंतर्गत के साना सवारी व्यवस्था कार्यालय के शाखा अधिकृत गणेश कुमार आर्याल बतौले नै छ हुनका अनुसार 1000 सीसी धर के कार तथा जीप पहिने से 1000 बेसी कर तिर परत ऐसा आगु कर 18000 रहल में आब 19000 रुपया बनाओल गेलै छ ऐना का 1001 से लक 1500 सीसी धर के कार धनी सब के 1000 बेसी कर चुकता कर परत ऐसा आगु 20000 कर रहल वाला सब के आब 21000 देवा परत ऐना का 1501 सीसी से लक 2000 सीसी धर के कार जीप सब ऐसा आगु 22000 कर दिरे तैयार में आब 23000 रुपया कर तिर परत 2001 से लक 25 से धर के कार के लेल ऐसा आगु 30000 लेल जाय छल त आब 32000 रुपया देवा परत 25 से ऊपर के 29 से धर के सीसी धर के नीचा के छोट सवारी साधन के 37000 रुपया कर तिर परत ऐसा आगु 35000 रुपया कर तिर तैयार छल 29 से 1 सीसी से ऊपर के कार सब के वार्षिक 53000 रुपया कर तिर परत एहन सवारी संग 50000 रुपया कर लेल जाय छल अहिना का सरकार सार्वजनिक सवारी साधन सब के कर के दर बढ़ल कइ छ विभिन्न प्रकार के निजी सवारी साधन आ निर्माण उपकरण वार्षिक रूप में तिर वाला कर में वृद्धि भेलै छ एहि बीच सरकार भंसार पास भेल नयाक सवारी संग लेवा वाला सड़क कर दस्तूर में सेहो वृद्धि केल कइ छ ऐसा आगु 125 सीसी धर के बाइक अनला के बाद 7000 लागा वाला कर अखन 10000 रुपया बनाओल गेलै छ अहिना का 126 वाला का 250 सीसी धर के मोटरसाइकिल अनला के बाद लेल जाय वाला 8000 रुपया के आ 12000 पहुंचाओल गेलै छ तहिना का 251 से लक 400 सीसी धर के मोटरसाइकिल के लेल आब सड़क दस्तूर 15000 लागत ऐसा आगु 10000 मात्रे छल 401 सीसी से ऊपर के मोटरसाइकिल के लेल सेहो 5000 रुपया दस्तूर बढ़ा कऽ 20000 बनाओल गेलै छ तहिना का सब निजी प्रयोजन के सवारी अनला के बाद ऐसा आगु बिल बिषक आ भंसार रकम सहित के कुल लागत के 5% लैत आयल सड़क दस्तूर कर के आब 2% से वृद्धि कयल गेलै छ एक बेर मात्रे लेवा वाला एहन कर 7% पहुंचलै छ अइ कारण निजी सवारी के मोल में 2% से वृद्धि होबे के पक्का है छ मोटरसाइकिल में सेहो बढ़ल सड़क बढ़ल दस्तूर बराबर स्वतः मूल्य बढ़त राष्ट्रीय मधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी महीनों से आंदोलनरत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा संग वार्ता नै केनाई मुदा सड़क में कहियो नारा जुलूस नै केने 33 दलीय मोर्चा संग वार्ता केनाई राष्ट्रीय पुनरहल बतौले नै छ राष्ट्रीय मधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भंडारी पार्टी के चारिम स्थापना दिवसक अवसर में सोम दिन काठमांडू में आयोजित चायपान कार्यक्रम में सरकार 33 दलीय मोर्चा आ नाम नै सुनल गेल अन्य पार्टी संग वार्ता केनाई माथा दुखा के समय में पेट के दवाई खेने जका रहल बतौले नै छ ओ आंदोलन कर लेल सड़क में निकल वाला कार्यकर्ता नै रहल पार्टी संग सेहो वार्ता केनाई छ देश में राजनीतिक समस्या अछि से पुष्टि भेल कहैत सरकार आब मोर्चा आ संघीय गठबंधन संग गंभीरता पूर्वक वार्ता करि परत बतौले न कहिले सूर्य भावर सँग वार्ता गर्छन् कहिले थरुवर सँग वार्ता गर्छन् कहिले कता हो थाहा छैन 33 दल कसको जित्या जुनी सँग वार्ता गर्छन् वार्ता त गरिराखेका छन् त्यसले के बुझिन्छ भने समस्या त छ तर दुखिया टाउको छ औषधि चाहिँ नि नाइजोमा लगाइरहेका छ राष्ट्रीय मधे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष भंडारी वार्ता मार्फत समस्या के हल ताक गंभीर होब के बदला मोर्चा आ गठबंधन में विभाजन आने के षड्यंत्र में नहीं लागत सरकार के सुझाव सेहो दिलेन तराई मधेशक अधिकांश प्रमुख शहर सब में सामान्य वर्षा आयला पर मुख्य बाजार आ सड़क पर पानी जमैत अछि वर्षा के पानी के निकास उचित नहीं रहला से सड़क पर जमैत अछि सड़क वर्षेनी बनैत अछि ओ जेठ असार में असार के जमल पानी सुखते सड़क के अवस्था सेहो जीर्ण होइत अछि दमसाक सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ वर्षा के पानी के उचित निकास नहीं होबे के कारण की अछि विकास नहीं होबे में किनका जिम्मेवार देखे छी अहाँ के बात जेना के तहिना डर्टी राजनीति है जे चक्कर में की हो यहाँ के की आबे वाला योजना भी कार्यान्वयन नहीं हो पबी है
तो वही कारण हम दुनू चीज के जिम्मेवार माने छे, जे में जनता के तो 25% लेकिन 75% अहाँ के मतलब संबंधित निकाय जरा कि मामले व्यवस्थापन करे के लागी जे उचित मतलब योजना परियोजना के कार्यान्वयन होय के चाही से व्यवहार में लागू नहीं हो रहा है। समय पर नाली उली के व्यवस्था नहीं कने से जहाँ खार मशांत आयल तो बजट ठाके लेल दू गो चार गो कल दर दलाल के रखने रहल टिका टिका ददल 20% 25% घूस लक एक नगर पालिका जिला विकास एक सबके रवैया के कारण से ये और नला नाली दुर्वस्था छे जनकपुर नगर उपनगर महापालिका बरिश काल होइ छै तऽ ई खदहा मे रोड सब पर जे कचरा लगै छै ई खदहा सब है तऽ केकरा वजह से ये नहि है के ये जिम्मेवारी है रोड के जिम्मेवारी के ले ले पानी जम जाइ छै एमे लेबर नहि दै छै नगरपालिका कर्मचारी सब कथि करै छै बैठ खाली तलब खाइ के ई नाला मे गंदगी है ई के सर सफाई लेबर मिस्त्री लेबर नहि दै छै नाला के सर सफाई नहि करै छै गंदगी कचरा लागल दुनिया भर के जनपुरवासी के जिम्मेवारी छै आ जे सड़क के बात छै तऽ ओहिमे संबंधित निकाय नगर पालिका नेता सब के एहिमे बहुत भूमिका छै। आइ काल्हि देखियौ छोटा छोटा बच्चा जाइ है स्कूल पर है ओकरा जूता मोजा कपड़ा खराब हो जाइ है ई सब सर रोड और नाला के चलते ई सरकार से सब व्यवस्था होइ है बजट अबै है लेकिन ओकर अखार ने सारा चीज काम होइ है ताहि दुआरे ई सरकारो दोषी है नेता सेहो दोषी है एहिठाम से जीत के जाइ है एहिठाम विभिन्न पार्टी के नेता है लेकिन एहि प्रति सासु नहीं है। कोन नगर पालिका आयल है कि अयल से कोनो नहीं है आ एक दू साल तीन साल से सुन रहल छी कि ए डी बी आयल है ए डी बी के हरेक चीज भ गेलै ए डी बी के टेंडर भ गेलै ए डी बी के काम शुरू भ गेलै हमरा बुझाइए कंगाल वर्ल्ड के जे कंगाल ए डी बी है से बुझाइए आइन के जनकपुर धाम में धऽ देने है आ ओ पानी में सबके हेलाबै है अबै है जाइ है आ हेलाबै है। नया शक्ति नेपाल आवे वाला अगहन महीना में होवे वाला कहल गेल स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेवे के निर्णय कैलक अछि। नया शक्ति नेपाल के केंद्रीय परिषद सचिवालय के 4 दिन से काठमांडू में जारी बैसार से आब होवे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेवे के निर्णय कैलक अछि। बैसार से निर्वाचन में वैकल्पिक शक्ति के हैसियत अर्जन के लेल 3 महीना देर संगठन विस्तार में केंद्रित होवे के निर्णय कैलक अछि। बैसारक बाद पार्टी प्रवक्ता खीमलाल देवकोटा निर्वाचन के तैयारी स्वरूप केंद्रीय परिषदक सदस्य सब 3 महीना देर जिला आ गांव में राजा का संगठन विस्तार में लागे के निर्णय के ने जानकारी देने अछि। प्रत्येक वडा स्तर सम्म पुग्ने त्यहाँसम्म चाहिँ पार्टी संगठन विस्तार गर्ने र पार्टी संगठन विस्तार सँगसँगै आगामी आसन्न निर्वाचनहरूका निम्ति पनि तयारीका साथ अगाडि बढ्ने र साँच्चै अबको निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आउने कार्ययोजनाका साथ अब हामी चाहिँ फिर्ता जान्छौँ। दू सप्ताह पहिने मात्रै गठन भेल नया शक्ति पार्टी के सब पदाधिकारी आ केन्द्रीय सदस्य साधारण सदस्य मतदान कर जका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुनक के आ ओहि के लेल पार्टी भीतर निर्वाचन आयोग गठन कर के निर्णय कैलक अछि। बैसार से केन्द्रीय परिषद सचिवालय के महाधिवेशन आयोजक समिति में परिणत कर के निर्णय सेहो कैलक अछि। राष्ट्रीय मध्य समाजवादी पार्टी अपन स्थापनाक 4 वर्षगांठ मनौलक अछि। जनकपुर सहित मधेसक अन्य जिला सहित काठमांडू में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन कर राष्ट्रीय मधे समाजवादी पार्टी अपन स्थापनाक वर्षगांठ मनौलक अछि। जनकपुर स्थित समाजवादी के कार्यालय में पार्टी सचिव रितेश सिंह आ समाजवादी विद्यार्थी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा पार्टी गठन के पृष्ठभूमि के विषय में नेता कार्यकर्ता के जानकारी करवैत आगामी चुनौती तथा पार्टी संचालन के विषय में जानकारी करौने छलथि। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम में राष्ट्रीय मध्य समाजवादी पार्टी जिला पदाधिकारी तथा सदस्य सब के सेहो सहभागिता रहल छल। नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आरोप में पकड़ाव पड़ल डॉक्टर साहब दायर के ने बंदी प्रतीक्षीकरण के रिट सर्वोच्च अदालत खारिज कर दिलक अछि। अहिना के काठमांडू जिला अदालत पकड़ाव के ने डॉक्टर साहब के 5 दिन हिरासत में रह के अनुसंधान कर अनुमति दिलक अछि। नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी के ऑपरेशन क्वाक में पकड़ाव पड़ल 10 गोटे नकली प्रमाण पत्र धारी डॉक्टर साहब अपना सब के गैर कानूनी रूप में थुना में रखने कैद सर्वोच्च में रिट दायर केने छलथि। यह आखार 7 गते पर रिट सोम दिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आ न्यायाधीश गोविंद उपाध्याय के संयुक्त इजलास से खारिज कर दिलक अछि। डॉक्टर साहब राम कुमार प्रधान विनीता पांडे सरोज घिमिरे पन्नालाल पटेल मोहम्मद
रोहल्ला श्रीराम घिमिरे लगायत 10 गोटे सब सर्वोच्च में रिट देने छलत। प्रहरी अपन कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अपना सबके थुना में रखने कहत परल मुदा खारिज होब के संगे सीआईबी के डॉक्टर सब ऊपर अनुसंधान कर के रास्ता खुजल डीआईजी नवराज सिलवाल बतौले नहीं छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भूकंप पीड़ित सबके एकमुष्ट 2 लाख रुपया देव के मांग करत संसद अवरुद्ध कर हल समय सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड कमती में से हो 3 लाख रुपया देव पड़त बतौले नहीं छ। अब विषय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग अपन बात भ चुकल बतबैत प्रचंड नया कार्यविधि बनाकर हैत तैयो पीड़ित सबके भूकंप प्रतिरोधी संरचना बनाबक लेल आवश्यक रकम छुटियाव पड़त बतौलन। रोहतक के चंद्रनिगापुर में सोम के संसार कर्मी सब संग बातचीत करत प्रचंड कहलन भूकंप अबते हमर सबके पार्टी पीड़ित सबके भूकंप प्रतिरोधी घर बनाब 5 लाख देव के मांग केने छल। कांग्रेस 2 लाख के मांग करत संसद अवरुद्ध कर रहा समय ओकरा सब संगे सहमति क के पीड़ित के 3 लाख रुपया प्रदान कर पड़त। रोहतक गावी से अकोलवा वार्ड नंबर 8 निवासी शेख मुबारक के किछ दिन पहिने जिला कारागार भीतर समय में इलाज नै करने कारण मृत्यु भेल छल। मृतक शेख के कन्या अपन पति के इलाज नै करा क आ हमरा सब के कोनो बिना जानकारी देने मृत्यु करौने कहत कारागार आगू अखार 10 गते से आमरण अनशन में बैसल सगीरा खातून के स्वास्थ्य अवस्था एकदमे नाजुक बने जा रहल छ। किछ दिन पहिने से मृतक शेख के परिवारजन सब अनशन में बैसल छल। सरकार पक्ष पहल बिना केने मृतक परिवार के समस्या समाधान जेहने के तेहने छोड़ने न्याय के लेल इंतजार करत महीनों बीतला के बाद फिर से मृतक शेख मुबारक के कन्या एक दिस पैघ पर्व रमजान ईद रह कर दोसर दिस न्याय के लिए आमरण अनशन में बैसल है। पति के मृत्यु के दोषी जेलर ऊपर कानूनी कार्रवाई के मांग करे अखार 10 गते से आमरण अनशन में बैसल स्थानीय गांव विकास समिति अकोलवा वार्ड नंबर 8 निवासी 50 वर्ष के सगीरा खातून के स्वास्थ्य अवस्था खराब होने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ना कराओल गया है। इलाज के लिए भर्ना भेल खातून के देह में पानी की मात्रा कमी भेल चिकित्सक सब बतौलक है। पीड़ित खाना नहीं खेने कारण कमजोरी भेल आ देह में पानी के मात्रा में कमी रहे चिकित्सक सबके कहवे छ। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान 4 गोटे स्रष्टा सबके नेपाल संगीत तथा नाट्य राष्ट्रीय प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान कलक है। प्रतिष्ठान अपन 6ठम वार्षिकोत्सव के अवसर में सोम दिन काठमांडू में एक समारोह के बीच 4 गोटे स्रष्टा के पुरस्कार प्रदान कलक है। पुरस्कार पावला स्रष्टा सब में वाद्य वादक गोपाल नाथ योगी लोक गायक प्रचंड बहादुर बुढ़ा थोकी नाट्य निर्देशक महेंद्र मलंगिया आ नाट्य कलाकार शकुंतला गुरुंग छत वो सब 4 गोटे के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पुरस्कार रकम आ ताम्रपत्र प्रदान केने छथि। पुरस्कार के राशि जन ही 1 लाख रुपया रहल छ। राष्ट्रपति भंडारी संस्कृति के उत्थान एवं राष्ट्रीय एकता के मजबूत कर संगीत तथा नाट्य स्रष्टा सब के महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करैत आयल बतौलन। ओ सृजनशील स्रष्टा सब के काज देश के लेल अमूल्य रहल कहत सरकार स्रष्टा सब के उचित सम्मान कर पड़त बतौलन। भावले जुन कार्य गर्छन् ती अमूल्य छन्। राष्ट्रको दायित्व तिनलाई सम्मान गरी सांस्कृतिक परम्परालाई उन्नत पार्नु हो। निर्देशक हरिप्रसाद रिमाल वरिष्ठ नृत्य निर्देशक भैरव बहादुर थापा वरिष्ठ संगीत निर्देशक चंद्रराज शर्मा आ वरिष्ठ लोक वादक नृसिंह बहादुर डंगोल के पुरस्कृत केने छल। नेकपा एमालेक नेता माधव कुमार नेपाल स्थानीय प्रदेश आ संसद के निर्वाचन भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचना सबके पुनर्निर्माण लगायत के काज के लेल राष्ट्रीय सहमति के सरकार आवश्यक रहल बतौलने छ। एमाले नेता नेपाल नेपाली कांग्रेस आ मधेशवादी दल सहित के राष्ट्रीय सरकार गठन कक मात्रे हाल देखल गेल समस्या समाधान कर मिलत बतौलने छ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान सोम दिन काठमांडू में केने कार्यक्रम में एमाले नेता नेपाल आपके 1.5 वर्ष भीतर कर वाला काज के सूची बनाकर राष्ट्रीय सहमति के सरकार गठन कर पड़त आ ओहन सरकार गठन करित काल संविधान सा परिकल्पना केने ताके निर्वाचन कर सहज हाथ बतौलन। ओ राष्ट्रीय सहमति के सरकार नहीं भेला के कारण से सबसे बेसी पैघ दल कांग्रेस लगातार संसद के बैसार अवरुद्ध कर रहा आ कानून बनाब के काजे प्रभावित होब पहुंचल कहत सहमति सरकार गठन के लेल कोनो दल प्रधानमंत्री के अपने के चाही कह कर लफड़ा कर नहीं चाही बतौलन। एमाले नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर पार्टी में गुटबंदी के प्रोत्साहन के आरोप से लगलन। ओ पार्टी भीतर गुट के प्रश्रय देव के खास भरल कहत ऐसा पार्टी कमजोर हाथ दिस नेतृत्व सचेत हो पड़त बतौलन।
नेपाल प्रहरीकै लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो लागु औषधकै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी सबके पक्राउ केलकै छ। ब्युरो 35 किलो चरे सहित लागु औषधकै दुगोटे अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारी सबके पकड लकै छ। ब्युरो सोमदिन काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलन कका पक्राउ परल 12 के 25 वर्षक साइमन तमाङ आ नुवाकोटकै धनबहादुर तमाङकै सार्वजनिक केलकै छ। प्रहरीकै अनुसन्धान छ साइमन अखनधेरमे 19 बेर लागु औषध थाइल्यान्ड पहुँचाउने खुजलै छ। साइमन प्रत्येक बेर कारोबारमे 10-15 हजार थाई भाट पवैत्याल बैंकक के अड्डा बनाकर कारोबार करे थे। मुख्य कारोबारी धर्म पाखरिन तमाङ समक्ष लागू औषध पहुंचाने ब्यूरो के प्रहरी समक्ष बयान देने आई छ। एहन दोसर कारोबारी धन बहादुर वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में कतार आ इराक में सुरक्षा गार्ड के रूप में काज करने व्यक्ति आई छ। वैदेशिक रोजगार से घुरला के बाद कुखुरा पालन व्यवसाय शुरू केने धन बहादुर कुखुरा पालन संगे लागू औषध तरेस के कारोबार से शुरू केने आ अखन धरि दिल्ली होइत हेलैंड दू बेर तथा हांगकांग में 3 बेर चरेस के कारोबार केने खुलासा ब्यूरो के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक जय बहादुर चंद बतौलने। सन् 2005 मा कतारमा र सन् 2008 मा इराकमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा काम गरेको धनबहादुर तामाङ सन् 2011 देखि नुवाकोटको त्रिशुलीमा कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै आए पनि 2011 देखि नै लागु औषध चरेसको कारोबारमा संलग्न रहँदै आएका व्यक्ति हुन्। लागु औषध काठमाडौँको दिल्ली हुँदै हल्यान्डमा 2 पटक तथा हङकङमा 3 पटक अब लागु औषध चरेसको कारोबार गरिसकेका प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। प्रहरी अवैध लागु औषध चरेस बुद्ध के प्रार्थना किताब में नुका कर रखने अवस्था में धनबहादुर के पकड़ाव के न्याय छ। धनबहादुर धादिंग में 15-20 हजार रुपया प्रति किलो के दर से किन कर हेलैंड में 2,12,000 तथा हांगकांग में 1,50,000 रुपया में चरेस बिक्री कर खुजल। बलात्कार के असफल प्रयास के बाद सोलुखुम्बू में एक प्रहरी धरगर हथियार प्रहार कर 61 वर्षीय वृद्धा के घायल बनौलक। वाकुदू हकुला के 61 वर्षक वृद्धा के सदरमुकाम सलेरी नजदीक के प्रहरी जवान सोम फुयाल करनी के प्रयास केने आ निसकला के बाद आक्रमण क घायल बनौने पीड़ित पक्ष के कहबै छ। ओ वृद्धा के माथ आ हाथ में चोट लागल छ। घायल वृद्धा के फापलू अस्पताल में इलाज भ रहल छ। फापलू से सुरके जायवला रास्ता के बीच में अपना के प्रहरी जवान फुयाल जबरदस्ती करनी के प्रयास केने आ अपने खुरपी से प्रतिकार कर चारा के बाद वह खुरपी छीन का आक्रमण केने घायल वृद्धा बतौलिया। प्रहरी जवान फुयाल के अनुसंधान के लिए नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी स्रोत जनौलक। सरकार अहि वर्ष धान के उत्पादन घटन नै देब रासायनिक मल के अभाव होब नै देत जनौलक। बीतल वर्ष रासायनिक मल के अभाव लगायत के कारण धान के उत्पादन में 10% से कमी अयला से अहि वर्ष मल के अभाव होब नै देत बतौलक। 13 धान दिवस के अवसर में जानकारी देब कृषि विभाग सोम दिन ललितपुर में केने पत्रकार सम्मेलन में विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर युवक ध्वज जीसी चालू आर्थिक वर्ष 2,70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल अनुदान में देव के व्यवस्था अनुरूप 2,07,868 मेट्रिक टन मल किसान सबके बिक्री क चुकल बतौलन। नेपाल में कुल खेती योग्य जमीन के 55% भाग में धान खेती होते आयल वही में से 68% धान खेती तराई में होते। तराई पहाड़ आ उच्च पहाड़ में 62 प्रकार के धान के खेती होते तो मांग अनुरूप के उत्पादन नहीं भेला से अखन महीना के करीब 2 अरब रुपया के चाउर किन पड़ रहा है। विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर जीसी युवा शक्ति के विदेश पलायन खेती योग्य जमीन प्लॉटिंग के रूप में विकास लगायत के कारण धान के उत्पादन घटिक चाउर के आयात कर परल के अवस्था आयल बतौलन। कृषि विभाग धान के उत्पादन बढ़ाव चालू आर्थिक वर्ष संचालित 73 धान उत्पादन कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष 35 जिला में विस्तार कैल जात बतौलक। सरकार अहि वर्ष मनावा लागल 13 राष्ट्रीय धान दिवस के नारा व्यावसायिक धान खेती के आधार सामुदायिक नर्सरी के विस्तार तय कलक। 2061 साल से खार 15 गते दिन के राष्ट्रीय धान दिवस के रूप में मनबैत आयल। आब इंटरनेशनल न्यूज। बीस वर्ष फरार इटली के मोस्ट वांटेड माफिया के प्रहरी पकड़ लक। फरार 46 वर्षीय अर्नेस्टो हजारली के इटली के दक्षिणी क्षेत्र बलाबिया से गिरफ्तार कैल गेल। पुलिस ओकरा पकड़ने समय में एक महिला संग वो देखल गेल छल। हत्या के आरोप में ओकरा विरुद्ध अदालत आजीवन जेल सजा सुनौने छल। अर्नेस्टो इटली के सबसे शक्तिशाली माफिया गुट नंगड्रा केटो के प्रमुख है। इस समूह यूरोप में कोकिन के कारोबार में पैघ मात्रा में करते आयल पाओल गेल। अर्नेस्टी ऊपर हत्या केने आरोप में मुद्दा चलल छल। अदालत से ओकरा दोषी ठहर भेला के बाद वो भगत आयल छल। ई गिरफ्तारी संगे इटली सरकार खुशी व्यक्त कलक। अंत में हेडलाइंस फेर से
कांग्रेस नेता सब द्वारा तेसर बेर संसद के बैसार अवरुद्ध करते भूकंप प्रभावित सबके 2 लाख रुपया देव सत्तारूढ़ दल द्वारा संयंत्र गठन। अगर महीना में स्थानीय तह के निर्वाचन कर लेल निर्वाचन आयोग तैयार, सरकार के समय में कानून बनाबा सुझाव। तलब वृद्धि के मांग करे टैंकर चालक सब काम काज ठप कला के बाद धनसा जिला में ईंधन के अभाव। साउन 1 गति से सरकार सवारी सबक कर वृद्धि कर रहा, मोटरसाइकिल आ स्कूटर में 5,000 धर के वृद्धि। आ नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आरोप में पकड़ाव पर डॉक्टर साहब दायर के ने बंदी प्रतिक्षीकरण के रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारिज। अपन न्यूज अखन के लिए लतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।